शाहरुख नए विवाद में, समंदर किनारे बंगले के लिए ये क्या किया। समंदर किनारे बंगला बनाना शाहरुख का पसंदीदा शौक है। मुंबई के सवर्ब बांद्रा में समंदर किनारे उनके बंगले मन्नत के बारे में सबको मालूम है। शाहरुख ने अलीबाग के शानदार बीच में भी एक बंगला बनाया वीकेंड मस्ती के लिए, लेकिन इस बंगले के गैरकानूनी होने के आरोप लग रहे हैं। अगर वो रियल लाइफ में किसान बने होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर हकीकत में खेती किसानी की जमीन के इस्तेमाल में बदलाव करना कानूनन गलत है। शाहरुख खान का अलीबाग बंगला। शाहरुख ने अलीबाग में शानदार बंगला तो बनवाया, पर आरोप है कि उसे बनवाने के लिए फर्जी तरीकों का सहारा लिया। कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन पर भी महाराष्ट्र में खेती की जमीन खरीदने से जुड़े ऐसे आरोप लगे थे। क्या शाहरुख खान ने फर्जी कंपनी बनाई? शाहरुख खान तो अलीबाग के बंगले पर 2 नवंबर को अपना जन्मदिन का जश्न मनाने बॉलीवुड के अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे, लेकिन अलीबाग जाते वक्त उनका एक एमएल सी जयंत से पंगा होने से उनका अलीबाग जाना और वहां का बंगला सुर्खियों में आ गया। एमएलसी से विवाद से ज्यादा गंभीर आरोप लगा। अलीबाग के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है कि शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान, एक कंपनी देजावू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने जाली दस्तावेजों से खेती की जमीन खरीदी। उनका आरोप है, एक तो जाली दस्तावेजों से जमीन खरीदी गई, फिर इस पर आलीशान बंगला बनाकर दूसरा कानून तोड़ा गया। उनके मुताबिक अपने शौक और मौज के लिए शाहरुख ने समुद्र तट की खूबसूरती की फिक्र नहीं की और कोस्टल सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की। इंडिया टुडे की पड़ताल के मुताबिक दक्षिण मुंबई के अलीबाग में समुद्र किनारे खेती की जमीन खरीदने के लिए पहले शाहरुख ने एक कंपनी बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख ने इस कंपनी को 8.45 करोड़ रुपए का लोन भी दिया। छुट्टियां बिताने के लिए शाहरुख ने शाही अंदाज में भव्य बंगला तो बना लिया, पर इस चक्कर में पर्यावरण और जमीन कानून तोड़े गए। कैसे हुआ? शाहरुख का कथित फर्जीवाड़ा जांच रिपोर्ट में आरोप है कि शाहरुख ने खास तौर पर जमीन खरीदने के लिए पहले देजावू फार्म्स लिमिटेड कंपनी बनाई। शाहरुख को फार्म कंपनी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि महाराष्ट्र के नियमों के मुताबिक खेती की जमीन सिर्फ किसान ही खरीद सकते हैं। क्या है महाराष्ट्र में खेती की जमीन खरीदने के नियम? महाराष्ट्र के कृषि कानून के मुताबिक गैर किसान के लिए खेती की जमीन खरीदने के नियम बहुत सख्त हैं। अगर खेती की जमीन किसी ऐसे व्यक्ति को बेची जाती है जो किसान नहीं है, तो तमाम शर्तों को पूरा करने के अलावा कलेक्टर की मंजूरी जरूरी है। अगर शाहरुख पर लगे आरोप सही पाए गए तो वो अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे जिन्होंने जमीन सौदे और बंगले के लिए नियमों की अनदेखी की। अलीबाग क्यों है पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट? अलीबाग मुंबई के पास मशहूर वीकेंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। खुले और बड़े समुद्री बीच और शानदार पाम ट्री की वजह से यहां के तट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। अलीबाग में अपने बेटे अबराम के साथ शाहरुख खान जन्मदिन का जश्न मुसीबत बना। अलीबाग में शाहरुख के जन्मदिन की पार्टी में कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, करण जौहर जैसे ढेरों बॉलीवुड स्टार जन्मदिन मनाने पहुँचे थे। शाहरुख का ये बंगला एक एकड़ में फैला हुआ अपने करीबी दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाते शाहरुख खान। इंडिया टुडे की जांच में दावा किया गया है शाहरुख खान ने अपनी देजावू कंपनी के जरिए जमीन तो खरीद ली, पर कंपनी की बैलेंस शीट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि देजावू खेतीबाड़ी से संबंधित काम करती है। खबर के मुताबिक शाहरुख की पत्नी गौरी खान देजावू के डायरेक्टरों में शामिल है। रिपोर्ट में दावा है कि शाहरुख ने सौदे के वक्त लिख कर दिया था कि इस बंगले में पहले से ही ढांचा तैयार था, लेकिन 2003 की गूगल इमेज में ऐसा कोई ढांचा नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के नियमों के मुताबिक खेती की जमीन का लैंड यूज नहीं बदला जा सकता, यानी मालिक ढांचा तो ठीक करा सकता है पर नया कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकता। लेकिन शाहरुख पर आरोप है कि उन्होंने आलीशान बंगला बना लिया। जयंत पाटिल ने की थी बहस। शाहरुख इसी अलीबाग वाले बंगले पर जा रहे थे तो महाराष्ट्र के एमएलसी जयंत पाटिल और उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें इन दोनों के बीच किसी बता को लेकर बहस होती दिखाई दी थी। शाहरुख की बोट किनारे पर लगी होने के कारण जयंत की बोट को किनारे नहीं लग पा रही थी। बोट में शाहरुख को देख कर जयंत का पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा, ये अलीबाग तुमने खरीद लिया है क्या? होगा तू स्टार कहीं का, लेकिन यहाँ नहीं।